नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टेड सोर्सेज। हैप्पी होली एवरीवन। होली होली होली, हैप्पी होली एंड हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस होली स्पेशल क्लास में। आज कुछ स्पेशल नहीं है हमारे पास, वही है न्यूज एनालिसिस। नथिंग कुछ स्पेशल अबाउट दिस होली डे। एंड ऑल्सो टुडे इज नॉट अ होली डे, इट्स अ होली एंड स्पेस आ जाएगा, फिर डे है उसके बाद। ठीक है, बहुत ही पुअर जोक मारा मुझे पता है, बट ठीक है, सहन करने की क्षमता रखिए। अगर मेरी करंट अफेयर सुनने की क्षमता रखते हैं तो इसको भी सहन करने की क्षमता रखिए। ओके, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की न्यूज एनालिसिस। दिस इज 10th of March 2020। बस डेली फॉलो करते रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, डेफिनेटली आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज इस वीडियो को। एंड अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिएगा, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। ऑलरेडी मेरा बैच लॉन्च हो चुका है 12 मार्च से, मैं फिर से कहूंगा 12 मार्च से। तो आज है हमारे लिए कौन सी तारीख, 10 है आज, ओके 10 तारीख ही, हाँ 10 तारीख है आज, और 12 मार्च यानी परसों से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है बैच को एनरोल तो उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और Zini10 कोड यूज कर लीजिएगा। इस पर्टिकुलर चैनल का, इस पर्टिकुलर क्लास का जो टेलीग्राम PDF है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल दिया हुआ है वहां भी आपको मिल जाएगा। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और वो आई है पोषण पखवाड़ा से रिलेटेड। पोषण पखवाड़ा, सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ पोषण अभियान, पोषण पखवाड़ा बींग सेलिब्रेटेड। ओके, सो यहां पर सेकेंड एनिवर्सरी हुई है आपकी पोषण अभियान, पोषण पखवाड़ा की 8 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या है पोषण अभियान, अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल यहां पर इतना समझ लीजिए कि पोषण अभियान की जो आपकी एक सेकेंड एनिवर्सरी है वो 8 से 22 मार्च के बीच में ऑब्जर्व की जाएगी। इसके लिए आपका ये 2 वीक लंबा एक पोषण पखवाड़ा रखा गया। पखवाड़ा आपका होता है 14 दिन का वक्त। ओके, 14-15 दिन का वक्त जो आपका होता है, फोर्टनाइट जिसको बोलते हैं, उसको हम पखवाड़ा कहते हैं। सो यहां पर ये इस बार फोकस किया गया मैन फॉर न्यूट्रिशन, इंक्रीजिंग मेल एंगेजमेंट इन द पोषण अभियान टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स। और इस पर्टिकुलरली पोषण अभियान में आपका तमिलनाडु स्टेट ने आपका टॉप किया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया पोषण अभियान में पिछले एक साल में, उसमें तमिलनाडु स्टेट ने आपका टॉप किया है। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 से 22 मार्च 2020 के बीच में आपका क्या चीज ऑब्जर्व की जा रही है, दैट इज पोषण पखवाड़ा। और इस बार फोकस किस पे रहा है, इस बार फोकस रहा है इनका मैन के ऊपर, मैन फॉर न्यूट्रिशन इंक्रीजिंग मेल एंगेजमेंट इस बार फोकस रहा। और तीसरा क्वेश्चन आपका तमिलनाडु का नाम पूछ सकते हैं। अब जानते हैं आखिरकार पोषण अभियान क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पोषण अभियान जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा जाता है, ये आपका प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ओके, जिसके तहत आपकी बहुत सारी जो आपकी स्कीम्स हैं इंडिया में, आपकी आंगनवाड़ी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एडोलेसेंट गर्ल्स, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सो ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं इनको आपका, ऐसा नहीं कहूंगा कि मर्ज कर दिया, बट इन सभी स्कीम में से जो भी आपका वीमेन सेंट्रिक चीजें हैं या जो भी आपके न्यूट्रिशन से जुड़े चीजें हैं वो इस स्कीम के तहत पूरी की जाती हैं। ओके, सो इस स्कीम के तहत बाकी स्कीम से इनको लिंक किया गया है और इस स्कीम के तहत फोकस किया गया है आपका न्यूट्रिशनल वैल्यूज के ऊपर। सो टू अचीव इंप्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन From 0 to 6 year, adolescent girls, pregnant women, lactating mothers, in a time-bound manner during the next 3 years, beginning 17-18 से लेकर अब next 3 सालों तक ये आपका achievement किया जाएगा, जिसमें ये लोगों को target किया जाएगा। So यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर children लिखा है, girls लिखा है, women लिखा है, lactating mothers लिखा है, but यहाँ पर man के बारे में कुछ भी आपका mention नहीं है। तो इसलिए इस बार जो पोषण पखवाड़ा observe किया गया है 14
दिन का समय जो ऑब्जर्व किया गया, इसमें फोकस किया गया है आपका न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो कि मैन के लिए. ओके, सो ये आपका इस बार ये खास बात इसमें आई है. और नॉर्मली जो पोषण अभियान है वो फोकस करता है आपका वीमेन या फिर चिल्ड्रन या फिर गर्ल्स के ऊपर. ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल से इस स्लाइड में से क्वेश्चन, सबसे पहला पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं, ऑड वन आउट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकंड पैराग्राफ में से, कि आप में से इनमें से कौन सा जो कैटेगरी है वो शामिल नहीं है पोषण अभियान के तहत. ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है. राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. थर्ड, ऑल वीमेन पोस्ट ऑफिस ओपन्स इन द न्यू दिल्ली. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिल्ली सर्कल ने ओपन किया थर्ड ऑल वीमेन पोस्ट ऑफिस इन द नेशनल कैपिटल. ये आपका इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली साउथ वेस्ट डिवीजन में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर. ओके, सो ये तीसरा आपका पोस्ट ऑफिस ओपन किया गया आपका न्यू दिल्ली में. ऑल वीमेन पोस्ट ऑफिस न्यू दिल्ली में ही है पहले, और ये तीसरा वहां पर ओपन किया गया है. फोन पे स्विचेस टू ICICI फॉर द UPI. ओके, सो फोन पे बेसिकली यस बैंक, सो जो UPI है आपका, UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सो जो फोन पे था वो आपका यस बैंक का UPI आपका यूज करता था. UPI यानी कि यस बैंक का प्लेटफॉर्म यूज करता था अपनी ट्रांजेक्शंस के लिए. जो भी आप पेमेंट फंड्स ट्रांसफर करते थे या फिर आपके जो वॉलेट में पैसा पड़ा होता था वो उनके यस बैंक के अकाउंट. सो फोन पे का भी तो कहीं पर अकाउंट होगा जहां पर वो पैसा हैं. सो फोन पे का अकाउंट बेसिकली यस बैंक के पास था. सो यहां पर उन्होंने जब ये यस बैंक के ऊपर रोक लगी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात भी की थी आपके यस बैंक के बारे में, सो जब आपकी रोक लगी मॉरेटोरियम पीरियड में आया यस बैंक, तो इसके बाद फोन पे ने तुरंत अपने UPS सर्विस को, अपने वॉलेट सर्विसेज को अपना स्विच किया ICICI बैंक के द्वारा. रातों रात इन्होंने NPCI के साथ मिलकर इस पर काम किया और स्विच किया तुरंत उन्होंने ICICI बैंक के प्लेटफॉर्म पर. सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, फोन पे ने अभी हाल ही में अपने UPI प्लेटफॉर्म को किसके पास स्विच किया है? ICICI बैंक के पास स्विच किया है. पहले किसके पास था? पहला ये यस बैंक के पास था. ओके, पहला ये यस बैंक के पास था. ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. गवर्नमेंट ने अप्रूव की है TCS DLF प्रपोजल टू सेटअप द सेल्स फॉर IT इन हरियाणा एंड द UP. सो यहां पर दो कंपनीज का नाम सामने आया है, एक कंपनी है TCS, दूसरी कंपनी है आपकी DLF. सो ये आपका सेटअप करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ये सेटअप करेंगे आपके TCS एंड DLF. TCS को आपका दिया गया है जिम्मेवारी नोएडा में आपके एस्टेब्लिश करने की, और DLF को जिम्मेवारी दी गई है आपकी हरियाणा में सेज को एस्टेब्लिश करने की. सो ये आपका एक और ये आपके दो यहां पर सेज लगाएगी. बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कुछ ऐसे एरियाज होते हैं किसी भी सिटी में आपके हो सकते हैं, जहां पर अगर आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको स्पेशल इंसेंटिव दिए जाते हैं. आपको वहां पर जो भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है आपको वो बहुत ही जल्दी आपकी पूरी कर दी जाती है, इवन आपको टैक्स में भी छूट मिलती है. ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों एस्टैब्लिश किए जाते हैं? ये इसलिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं, और ये बेसिकली जगह लोकेलिटी को देखते हुए एस्टैब्लिश किए जाते हैं. जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया में, जिस सिटी में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव में आप कह सकते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को आपका प्रोवाइड करवाना, इसलिए वहां पर इस तरह के आपके इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ताकि वहां के लोगों को आपकी एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, उस एरिया को आपका ग्रो किया जा सके उस एरिया को, वहां के लोगों को आपका रोजगार दिया जा सके. ओके, सो ये है बेसिकली इसके पीछे स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तभी वहां पर आपका एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव, टैक्स में छूट, आपकी बहुत ही जल्दी लाइसेंसेस मिल जाते हैं. सो इस तरह का गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ताकि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहां पर आएं और अपना काम शुरू करें. सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे आपसे, कौन सी कंपनी का अप्रूवल दिया गया है? TCS को दिया गया है. दूसरी कौन सी कंपनी? DLF को. TCS कहां लगाएगा? नोएडा में लगाएगा. DLF कहां लगाएगा? हरियाणा में लगाएगा. इस सिस्टम
नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हैं आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इन्होंने लॉन्च किया महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, और ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम कहाँ किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु में किया गया है। सो ये फेलोशिप प्रोग्राम किया गया संकल्प प्रोग्राम के तहत। संकल्प प्रोग्राम नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। सो बेसिकली ये संकल्प प्रोग्राम के तहत उन्होंने क्या किया, 75 ग्रेजुएट्स को आपका चुना, 2 सालों के लिए वहां पर लेकर आए, और ये आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यूपी गुजरात राजस्थान उत्तराखंड कर्नाटका मेघालय से आपका इनको चुना गया है, और इन लोगों को आपका बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग दी जाएगी उनमें स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए, इन प्रिपेयरिंग द डिस्ट्रिक्ट स्किल प्लान कंसीडरिंग द स्किल गैप्स मार्केट यूटिलिटीज गवर्नमेंट स्कीम इंस्टीट्यूशंस। सो उनको आपका हर एक चीज में आपका स्किल्स, अलग अलग चीजों गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, उनको किस तरह से उनको काम करना है ये पता होना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर भी लोगों में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे सकें। ओके, सो ताकि आगे जाकर उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकें, आगे जाकर वो लोग जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं वो आगे ट्रेनिंग देकर बाकी लोगों में भी आपका एक रोजगार उत्पन्न कर सकें। सो ये है आपका बेसिकली इस प्रोग्राम का उद्देश्य, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है, जो कि आपका स्किल प्रोग्राम के तहत आता है, जिसके तहत आपका 75 ग्रेजुएट्स को 2 सालों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, कहां पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन बेंगलुरु में। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से सबसे पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम कहां पर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु में, कौन से इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फेलोशिप कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम का पार्ट है, संकल्प का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछेंगे कितने ग्रेजुएट्स को आपका इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, 75 ग्रेजुएट्स को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, कितने साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, 75 जो ग्रेजुएट्स हैं कितने स्टेट से इनको चुना गया है, इनको चुना गया है उत्तर प्रदेश गुजरात 3, 4, 5, 6 स्टेट से इनको लाया गया है। ओके, सो ऑड वन आउट के फॉर्म में ये स्टेट्स का नाम भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, याद रख लेगा ये जो भी 6 स्टेट्स हैं ऑड वन आउट के फॉर्म में। सो इस पर्टिकुलर न्यूज में से देख सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने सभी बता दिए, और डेफिनेटली अगर इस न्यूज में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली एग्जाम में उसको क्लियर कर पाओगे। ओके, सो ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही मेरा पढ़ाने का तरीका है। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, इसलिए आप मुझसे जुड़े हुए हैं, और इसलिए जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संकल्प स्कीम के बारे में जानते हैं। संकल्प स्कीम आपके सामने लिखी हुई है, जैसा मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ये स्कीम है, और ये स्कीम आपका फोकस करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका फोकस करती है। 3 चीजें इसमें शामिल हैं आपकी, स्किल इंडिया पोर्टल, ओके, पोर्टल एक है आपका टू सिस्टम टू कैप्चर एंड कन्वर्ट स्किल डाटा इवन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका कितने लोग ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई एक योग्यता है, कह लीजिए कोई स्किल है, मान लीजिए मेरा एक जोनर है, मुझे मोबाइल फोन ठीक करना आता है, मुझे कंप्यूटर ठीक करना आता है, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ स्किल, आपके अंदर ये स्किल है। ओके, आपको पढ़ाना आता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्किल, आपको स्टिचिंग का वर्क आता है, आप एक टेलर हैं, आप एक मशीनरी को सही कर सकते हैं, इस तरह की चीज आपकी कहलाती है एक स्किल। सो ये आपका पोर्टल इसके तहत लॉन्च किया गया, जिसके तहत सभी के सभी इस तरह का डाटा अवेलेबल है, कितने लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जो लोग खुद एक एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनमें कुछ ना कुछ खास बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रांट्स के ऊपर। ग्रांट्स आपकी बेसिकली इसमें 9 स्टेट शामिल हैं जिनको आपका पैसा दिया जाता है। अब इन स्टेट्स को इन स्टेट से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इन स्टेट में से लोगों को चुना गया था और उनको यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, बट यहां पर ये जो स्टेट्स दे रखे हैं ये स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जिनको इस संकल्प स्कीम के तहत पैसा दिया जा रहा है, ताकि फर्दर वो आपका काम कर सकें। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और इनके अलावा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अलावा ग्रांट्स हैव बीन रिलीज्ड टू
117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अंडर द एस्पिरेशनल स्किलिंग अभियान. सो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे इंडिया में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिनको आपका एक पॉइंट आउट किया गया है, जिनमें आपका एक एस्पिरेशन होता है ना, एस्पिरेशन मींस इनसे बहुत ज्यादा हमें उम्मीद है. एस्पिरेंट्स जैसे आप लोग हैं, एस्पिरेंट्स है आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो वही इनसे उम्मीद है और इनको आपका डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको पैसा दिया जा रहा है अलग अलग कामों के लिए. सो इस चीज के लिए भी इनको पैसा दिया जा रहा है 117 डिस्ट्रिक्ट्स को और इन स्टेट्स के अलावा. ओके, सो ये है आपका संकल्प स्कीम का थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया इसमें. ठीक है, ग्रांट्स किसको दिए जाएंगे ये याद रख ले, 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ये याद रखने हैं आपको, ज्यादा इसमें समझने वाली जरूरत नहीं है, जस्ट इतना जितना बताया, दैट्स इट इनफ. नेक्स्ट चलते हैं. ओके, सो गूगल इंडिया लॉन्चेस द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द वीमेन. ओके, गूगल इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है डीजी पाइवट अ स्किलिंग प्रोग्राम डिजाइंड फॉर वीमेन के लिए है ये आपका प्रोग्राम, जो कि आपका कॉर्पोरेट कैरियर्स और ये बेसिकली है डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ. अगर कोई भी आपका कोई वीमेन अगर करियर अपना कंटिन्यू करना चाहती है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो उनके लिए एक गूगल इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है डीजी पाइवट एक लॉन्च किया है एक प्रोग्राम इन्होंने, और इसको डेवलप किया है उन्होंने मिलकर अवतार के साथ, जो कि एक करियर पोर्टल सर्विस है वीमेन का एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का. ओके, सो इसके तहत उन्होंने 200 ऐसी वीमेन प्रोफेशनल्स को आपका चुना है, जो लोग बीच में अपना एक ब्रेक ले चुकी थी, जो अपनी नौकरी से रिजाइन कर चुकी थी और अगर वो वापस आना चाहती हैं, वापस अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हैं कौन से फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो ऐसी वीमेन को दोबारा से आपका ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको आपका कैपेबल बनाया जाएगा ताकि फिर से वो अपने करियर की शुरुआत कर सकें. इसके लिए 200 वीमेन प्रोफेशनल्स को आपका चुना गया है और इनको 18 वीक का एक लर्निंग प्रोग्राम इससे आपका उनको गो थ्रू होना पड़ेगा. ओके, ताकि उनके जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज है उसको दोबारा से हासिल किया जा सके. सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल इंडिया ने किसने अभी लॉन्च किया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द वीमेन, राइट आंसर रहेगा गूगल इंडिया. नाम क्या है उसका, डीजी पाइवट उसका नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ एसोसिएशन है, अवतार नाम की कंपनी के साथ एसोसिएशन है. साथ में कौन है, साथ में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भी शामिल है. एंड कितने वीमेन प्रोफेशनल्स को दिया जाएगा, 200 वीमेन प्रोफेशनल्स को दिया जाएगा. कितने वीक लंबा प्रोग्राम है, 18 वीक लंबा ये प्रोग्राम है. नेक्स्ट है, इंटेल एंड सीबीएसई ने हाथ मिलाया टू डिजिटली एम्पावर 1 लाख स्टूडेंट्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, टेक जायंट इंटेल एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साइन किया है एमओयू और इसके तहत आपका 1 लाख स्टूडेंट्स को आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से आपका रूबरू करवाया जाएगा. इसमें इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उनके करिकुलम में और ये है आपका क्लास 8th, 9th and 10th में. ओके, क्लास 8th and 9th, 10th में आपका इनको इंक्लूड किया जाएगा और ये आपका बेस रहेगा इंटेल AI फॉर यूथ इसके ऊपर आपका ये करिकुलम आपका बेस रहेगा. एंड MOU आल्सो स्टेटेड दैट इंटेल अलोंग विद CBSE विल सून बी लॉन्चिंग अ नेशनल AI ओलंपियाड, ये भी आपका लॉन्च करने की सोच रहा है. सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन, इंटेल किसके साथ आपका ज्वाइन कर रहा है एंड ताकि आपका 1 लाख स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू करवाया जा सके, CBSE किसके साथ कर रहा है, इंटेल के साथ कर रहा है. सो वाइस वर्सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, क्या है करिकुलम दैट इज इंटेल AI फॉर यूथ इसके ऊपर टारगेट किया गया है एंड 1 लाख स्टूडेंट, कितने लाख स्टूडेंट, 1 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी एंड क्या नेशनल AI ओलंपियाड कौन सा आपका कौन लॉन्च कर रहा है, CBSE ने इसके लिए किसके साथ MOU साइन किया है, राइट आंसर उसका भी इंटेल रहेगा. सो ये क्वेश्चंस कुछ इसमें से बनकर सामने आ रहे हैं. ओके, आज MCQ क्लास भी है, आज 8:10 पे MCQ क्लास भी है, तो ऐसा मत सोचिए कि MCQ क्लास नहीं है, वो भी करेंगे. ठीक है, मूडीज कट G20 ग्रोथ आउटलुक टू 2.1%. ओके, 2.1% से मूडी ने अपनी G20 कंट्रीज, उम्मीद करता हूं आपको पता होंगी G20 कंट्रीज कौन सी हैं अब तक, तो क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं डेली तो डेफिनेटली आप इसको भी याद कर चुके होंगे अब तक. G20 कंट्रीज जितनी भी हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 2.1% रहेगी 2020 में, ऐसा मूडीज ने कहा है, सो ये आपका 0.3% से उसने लोअर किया है, पहले 2.4 था प्रोजेक्शन, अब 2.1 कर दिया है.
अनुराग मेहरोत्रा, ये चार्ज लेंगे आपका महिंद्रा फोर्ड जेवी। सो महिंद्रा और फोर्ड का एक ज्वाइंट वेंचर आ रहा है, पहले भी हमने एक न्यूज इसके बारे में करी है, ठीक है। महिंद्रा और फोर्ड मिलकर आपका ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, 1 अप्रैल से ये आपका इनिशिएट हो रहा है और उसके आपके चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ आपके बनाएंगे अनुराग मेहरोत्रा। अनुराग मेहरोत्रा को इसका चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया है एंड पंकज सोनालकर को आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ बनेंगे इस ज्वाइंट वेंचर के। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, WCD मिनिस्टर। ओके सो ये हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी। सो यहां पर वर्ल्ड बैंक एंड इन्होंने मिलकर आपका ऑर्गेनाइज किया एक डिस्कशन प्रोग्राम और ये है फ्यूचर ऑफ वर्क वीमेन इन इंडियाज वर्कशॉप वर्कफोर्स। ओके सो ये आपका सेमिनार का टाइटल था और ये न्यू दिल्ली में किया गया एंड ये आपका इंटरनेशनल वीमेन्स डे के मौके पर अलग अलग चीजों लाइक दी सेलिब्रेट करना अचीवमेंट ऑफ वीमेन बिजनेस वीमेन एनेबलर्स अलग अलग चीजों के ऊपर बात की गई। सो यहां पर जस्ट एग्जाम्पल इतना याद रख लो, WCD मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सेमिनार ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क वीमेन इन इंडिया वर्कशॉप, कहां पर किया, न्यू दिल्ली में किया, किसके साथ मिलकर यह सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यह सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है एंड यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डेविड मलपास। ओके मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी है। ओके सो उम्मीद करता हूँ आपने कल वाली वीडियो जरूर देख ली होगी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की जो स्मृति मैम ने आपके लिए अपलोड की थी स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा और शेयर कर दीजिएगा। ओके सो इससे प्रीवियस वीडियो में भी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें 15,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप उसको वीडियो को बहुत ही अपना प्यार दिया, इसी तरह से इस वीडियो को भी दीजिएगा, स्प्रेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, स्टडी नीति यूट्यूब चैनल की, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता स्टडी नीति यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। इंडिया रैंक्स 12th इन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो यहाँ पर एक आपका 31,000 अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स आपके पूरी दुनिया में शामिल हुए हैं। ओके अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स क्या होता है, जिनकी आपकी नेटवर्थ $30 million से ज्यादा होती है उनको हम अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं। ऐसे 31,000 लोग हैं पूरे के पूरे दुनिया में एंड जो कि आपका पिछली बार से 6.4% इसने जंप लगाया है। ये रिपोर्ट आपकी नाइट फ्रैंक ने दिए हैं। इंडिया का रैंक इसमें 12th रहा, मीन इंडिया में इतने इंडिविजुअल 5986 इंडिविजुअल से 2019 में, जो कि 2024 में 10,354 हो जाएंगे। एंड बिलियनर्स की बात करें तो इंडिया ऑन द अदर हैंड इज लाइकली टू रीच 113 जो कि 104 है 2019 में। सो ये है आपका अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल, इंडिया 12वें रैंक पर रहा आपका। इसमें रिपोर्ट आई है आपकी नाइट फ्रैंक की, इसमें टॉप किया यूएसए ने और इंडिया में अभी अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल कितने हैं 5986 हैं और बिलियनर्स कितने हैं इंडिया में 104 है। और फ्यूचर की बात करें तो इतने हो जाएंगे और इतने हो जाएंगे। सो फिगर्स याद रख लेगा सारी की सारी, ये टोटल 31,000 फिगर भी याद रखना है, किसने रिपोर्ट दिया ये भी याद रखना है आपको, इंडिया का रैंक क्या रहा है ये भी याद रखना है, टॉप किसने किया यूएसए ने किया। सो ये आप देख सकते हैं यहां पर 5-6 लाइनों में से ही इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 लाइनों में से ही कम से कम 8-9 क्वेश्चन बन गए, कमाल है। ब्राक यानी कि बांग्लादेश में एक बेस्ड है, बांग्लादेश की एक कंपनी है, एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्राक, बिल्डिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटीज। ओके सो इसका अलग अलग नाम आया है, ब्राक का पहले नाम कुछ था फिर कुछ हो रहा है फिर लास्ट में कुछ हो रहा है। सो इसने अभी हाल ही में एक रैंकिंग आई है जो कि आई है जिनेवा बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एडवाइजर के द्वारा। ये आपकी एवरी ईयर रैंकिंग पेश करती है और ये रैंकिंग पेश करती है आपकी एनजीओ से रिलेटेड। सो यहां पर बांग्लादेश की एक एनजीओ जिसका नाम है बिल्डिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटीज ब्राक, इसको आपका टॉप एनजीओ का दर्जा दिया गया है कंटिन्यूसली 5वें साल भी। ओके सो ये 5वें साल भी इन्होंने आपका दर्जा दिया टॉप एनजीओ का, किसको दिया, ब्राक को दिया गया। कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, बांग्लादेश से बिलोंग करता है। किसने दिया, एनजीओ एडवाइजर नाम की कंपनी ने आपका इसको दिया। सो ब्राक किस किस के लिए काम करता है ये इसके बारे में लिखा हुआ है, जस्ट ये एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं। या सिर्फ ब्राक का नाम, कंट्री बांग्लादेश, एनजीओ एडवाइजर आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, एनजीओ आपका एडवाइजर का जेनेवा में है। ओके चलिए
नेक्स्ट बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट दी सैरेक्स 2020 इन गोवा. ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया 2 दिन का नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज दैट इज दी सैरेक्स 20. कहां किया? गोवा में किया, जहां पर 24 ओवरसीज पार्टनर्स 19 कंट्रीज से आपके शामिल हुए हैं. ओके, सो जिन्होंने आपका इसमें पार्टिसिपेट किया है वो आपके 19 कंट्रीज से 24 आपके पार्टनर्स अलग अलग पर्सन शामिल हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुई हैं. इस वर्कशॉप को इनॉग्रेट किया डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार ने, एंड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ने भी इसमें एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया. और इसकी थीम रही हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल रिसर्च एंड रेस्क्यू कोड, जिसका नाम था शॉर्ट में जिसको हमसर कहते हैं. ओके, सैरेक्स 20 अपने में सबसे बड़ा एक इवेंट देखने को मिला जिसमें 38 नेशनल ऑब्जर्वर्स आपके शामिल हुए एंड रिप्रेजेंटेटिव थे आपके 7 कमर्शियल एयरलाइंस के, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स भी शामिल हुए थे. ओके, सो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली न्यूज है, थोड़ा सा दोबारा क्लियर करता हूं. सबसे पहले कि सैरेक्स 2020 किसने कंडक्ट की? इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की. कहां पर हुई? गोवा में हुई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे कितने ओवरसीज आपके इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल थे. 24 पार्टिसिपेंट्स, 24 आपके वो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी. कितनी कंट्रीज शामिल थी? 19 कंट्रीज शामिल थी. इंडिया की तरफ से कौन कौन सी मिनिस्ट्री शामिल थी? शिपिंग, सिविल एविएशन एंड द डिफेंस इसमें शामिल थी. नेक्स्ट, इसकी थीम क्या रही थी? हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू, जिसको शॉर्ट में हेमसर कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछेंगे कितने इसमें ऑब्जर्वर थे, कितने ऑब्जर्वर थे. देखो, ऑब्जर्वर कभी पार्टिसिपेट नहीं करते फिजिकली, आपके ऑब्जर्वर जस्ट वहां पर आते हैं, अटेंड करते हैं, देखते हैं कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, पार्टिसिपेट नहीं करते. तो ऑब्जर्वर आपके 38 थे. और टोटल कितनी एयरलाइंस ने इसमें शामिल हुए? 7 एयरलाइंस शामिल हुए, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स भी शामिल थे. ओके, सो ये आपकी एक वर्कशॉप हुई थी, एक एक्सरसाइज हुई थी आपकी सी एक्सरसाइज. ओके, उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आप इसमें समझ में होंगे. बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी. नेक्स्ट चलते हैं, शेफाली वर्मा बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू अपियर इन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में आपके शेफाली वर्मा बनी यंगेस्ट प्लेयर, जो कि किसी भी फाइनल इवेंट में, क्रिकेट के फाइनल इवेंट में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें क्रिकेट के फाइनल इवेंट में उन्होंने अपनी जगह बनाई. सो यहां पर शेफाली वर्मा क्लेम्ड अ स्लाइस ऑफ हिस्ट्री. सो ये आपकी 16 साल 40 दिन की है, इन्होंने आपका वर्ल्ड कप फाइनल में अपना जगह बनाया. इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज की शकाना क्यूतीन के पास था, जो कि 17 साल 45 दिनों में इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल खेला था 2013 में. और ये अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में बात भी की थी. सो पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, अगर मैं मेल प्लेयर्स की बात करूं तो उसमें मोहम्मद आमिर है, 17 साल 69 डेज में इन्होंने आपका 2009 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड टी20 फाइनल खेला था. पाकिस्तान के बहुत ही फेमस बॉलर रह चुके हैं. सो यहां पर शेफाली वर्मा का नाम याद रख लेगा, पुराना शकाना इनका नाम याद रख लेगा, एंड मोहम्मद आमिर भी आपसे पूछ सकते हैं. और खासकर इनके 16 साल 40 दिन ये एज, बाकियों की चाहे याद मत कीजिए बट इनकी जरूर याद कीजिएगा. पूनम यादव आपकी बनी इकलौती ऐसी इंडियन, जो कि आपकी टूर्नामेंट के आईसीसी वीमेंस टी20 प्लेइंग 11 एक चुना गया, जिसमें आपके सभी कंट्रीज की आपकी प्लेयर्स को चुना जाता है. ओके, सो उसमें आपके इंडिया की तरफ से पूनम यादव आपकी इकलौती ऐसी प्लेयर बनी जिन्होंने इसमें अपनी जगह बनाई. और इसमें आपके बेसिकली ज्यादातर आपके जो रहे वो आपके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बने थे. 5 प्लेयर आपके ऑस्ट्रेलिया से आपके चुने गए, और 12 प्लेयर में से 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया गए. इंडिया की पूनम यादव टॉप 11 में रही, प्लेइंग 11 में रही, और 12th प्लेयर के फॉर्म में शेफाली वर्मा शामिल की गई. सो शेफाली वर्मा एंड दी पूनम यादव दोनों रही, बट पूनम यादव आपकी प्लेइंग 11 में जो खेलते हैं, जैसे प्लेइंग है, वैसे तो कोई खेलेगा नहीं इस मैच को, जस्ट कहा जाता है, एक प्लेइंग 11 दिया जाता है कि कौन-कौन ने बेस्ट पर्सन थे, तो एक प्लेइंग 11 बनाया जाता है. 12th प्लेयर शेफाली वर्मा. सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल बैग्स टू बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम 2021. ओके, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किया सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल बैग्स आपके मैंडेटरी कर दिए जाएंगे जनवरी 2020 से. और इसके लिए मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया सैनिटेशन एंड क्लीननेस नॉर्म्स आर टू बी अप्लाइड फॉर ऑल द विलेजेस विद पॉपुलेशन ऑफ 3000. 3000 से ज्यादा जहां की पॉपुलेशन है, तो वहां पर ये सभी नॉर्म्स आपके अप्लाई किए जाएंगे. जनवरी 2021 से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजेबल बैग्स मैंडेटरी हैं.
नारी शक्ति पुरस्कार, ओके, नारी शक्ति पुरस्कार आपका 15 वीमेन को राष्ट्रपति भवन में ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेन्स डे दिया गया। ये रहे उनके नाम, अच्छे से याद रख लीजिएगा, सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बट आपको याद करने पड़ेंगे। कोई भी नाम आपसे पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है किसी भी तरह में, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, याद होगा आराम से, तसल्ली से, जब पीडीएफ मिल जाए तब पढ़ लीजिएगा। फॉर्मर कर्नाटका के गवर्नर हंसराज भारद्वाज, इनका हाल ही में निधन हो गया। हंसराज भारद्वाज फॉर्मर गवर्नर कर्नाटका के, यूनियन लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। चलिए मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलता हूं जस्ट 5 मिनट में, 5 मिनट में हम मिलेंगे 8:10 पे, कहां पर, अन अकेडमी के स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे। लाइक जरूर कर दिएगा इस वीडियो को, शेयर जरूर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा 8:10 पे, अन अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे। सभी के सभी लाइव मुझे दिखने चाहिए, लाइव दिखने चाहिए, जितने लोग यहां पर लाइव है वहां भी मुझे लाइव दिखने चाहिए, आइएगा जरूर, मजा आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास करने के लिए, ठीक है, तो जल्दी से पहुंचो वहां पे, अन अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे, तुरंत से तुरंत। चलो, टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए रिवीजन नहीं हो पाएगी, न्यूज भी बहुत ज्यादा थी कल, भी हमारे पास बहुत सारी न्यूज थी। ओके, चलो मिलते हैं फिर जस्ट 5 मिनट में, टेक केयर।